स्टार वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स स्पीडी का वार्षिकांक लेकर के आए हैं। यह अपडेटेड करंट अफेयर्स की स्पीडी हम लेकर के आए हैं। ये स्पीडी मार्च 2011 से लेकर 2 फरवरी 2022 तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स की स्पीडी है। आज की क्लास में हम मार्च 2021 के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमने जो है मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल मई जून इस तरह से फरवरी तक सॉरी जनवरी के सभी करंट अफेयर्स, क्योंकि 2 फरवरी तक की बात हो रही है तो जनवरी के 31 जनवरी तक के सभी करंट अफेयर्स हमने इसमें वन लाइनर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मंथ वाइज मंथ हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर और महीनों की जो है वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिए। आपने अगर ये सीरीज हमारी कंप्लीट कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस स्पीडी की करंट अफेयर्स की स्पीडी को वन लाइनर को करने से चूक गए हमारे चैनल पर तो पक्का दोस्तों आप पछताएंगे। अगर आपको अपनी एक सीट 100% पक्की करनी है तो इस करंट अफेयर्स की स्पीडी की सीरीज को जरूर 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 कीजिए। ठीक है, चलिए, ये इस क्लासेस जो है लंबी होती हैं थोड़ी सी, तो हम आपको मोटिवेट करने के लिए एक कोटेशन लेकर के आए हैं, जरूर सुनिए जरा ध्यान से। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को हीरे की तरह चमकाने के लिए, समाज में अपने आप का एक मुकाम बनाने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपके लिए मेहनत करने नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास का मार्च की अपडेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज का वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया। तो मार्च 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया, तो कुछ आंसर है शून्य भेदभाव दिवस। तो शून्य भेदभाव दिवस जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। 1 मार्च 2021 को किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया, तो आंसर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है। 1 मार्च 2021 को यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने जो है यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत दिया है। 1 मार्च 2021 को किस देश ने उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है, तो आंसर है रूस। तो रूस ने जो है उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है। 2 मार्च 2021 को ब्रिटेन के दो क्रूज जहाजों को भारत ने किस राज्य में खंडित किया है, तो आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य में जो है ब्रिटेन के दो क्रूज जहाजों को भारत ने खंडित किया है। 2 मार्च 2021 को अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव कहां शुरू किया गया, तो आंसर है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जो है अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव शुरू किया गया। 2 मार्च 2021 को मौन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहां रखी गई, नागालैंड में। तो नागालैंड में जो है मौन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। आगे देखते हैं, 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आंसर है थावरचंद्र गहलोत ने। तो थावरचंद्र गहलोत ने जो है सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। 3 मार्च 2021 को 2020 में अंतरराष्ट्रीय पेमेंट का सबसे बड़ा आवेदक कौन सा देश बना है, तो आंसर है चीन। तो चीन देश जो है 2020 में अंतरराष्ट्रीय पेमेंट का सबसे बड़ा आवेदक बना है। 3 मार्च 2021 को जारी हुरनू की ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में कौन टॉप पर रहा है, तो एलन मस्क। तो एलन मस्क जो है हुरनू की ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में सबसे टॉप पर रहे हैं और भारत के मुकेश अंबानी जो है 8वें स्थान पर रहे हैं। 3 मार्च 2021 को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो है को जो है अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष चुना गया है। 3 मार्च 2021 को युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है, वरुण कपूर और मालविका बसोड़। तो वरुण कपूर और मालिका बसोड़ ने जो है युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। आगे देखते हैं, 4 मार्च 2021 को रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है, तो आंसर है 2023 तक। तो 2023 तक रेल मंत्री ने कहा है कि सारा जो है रेल नेटवर्क जो है विद्युतीकरण हो जाएगा।
4 मार्च 2021 को जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है इंदौर। इंदौर जो है शीर्ष पर रहा है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। दूसरे नंबर पर रहा है सूरत और तीसरे नंबर पर रहा है भोपाल। 4 मार्च 2021 को जारी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर पुणे रहा है, तीसरे नंबर पर आपका अहमदाबाद रहा है। 5 मार्च 2021 को कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है जिम्बाब्वे। 5 मार्च 2021 को कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो आंसर है किरोन पोलार्ड। तो किरोन पोलार्ड जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने जो है श्रीलंका के विरुद्ध जो है ये खेला था। आगे देखते हैं। 5 मार्च 2021 को खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में शीर्ष पर रहा है। 5 मार्च 2021 को किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य ने जो है कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। 5 मार्च 2021 को दुनिया का पहला प्लेटीपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। तो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को बाजारे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो आंसर है 2023 को। तो वर्ष 2023 को जो है बाजारे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 6 मार्च 2021 को वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा को। तो मोहन कृष्ण बोहरा को जो है 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी पुस्तक का नाम था तिसलीमा संघर्ष और साहित्य हेतु। 7 मार्च 2021 को आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय टीम जो रही है फर्स्ट नंबर पर, और दूसरे स्थान पर रही है न्यूजीलैंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर भारत की टीम रही है आईसीसी द्वारा टेस्ट रैंकिंग के द्वारा, और दूसरे नंबर पर कौन रहा है? दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड रही है। 7 मार्च 2021 को पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। 7 मार्च 2021 को जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मसूरी। तो मसूरी में जो है जीआई टैग का महोत्सव का उद्घाटन किया गया। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। 8 मार्च 2021 को गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ। तो लखनऊ में जो है गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया। 8 मार्च 2021 को भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र कहाँ खुला है? तो रानीखेत। तो रानीखेत में जो है भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र खुला है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। 8 मार्च 2021 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया? तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया। 8 मार्च 2021 को भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना के गची बोबली पुलिस स्टेशन पर। ठीक है, तो तेलंगाना के गची बोबली पुलिस स्टेशन पर जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। 8 मार्च 2021 को किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंसर है गूगल। तो गूगल के द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 9 मार्च 2021 को जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला भारत पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है। 9 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीत लिया है।
9 मार्च 2021 को बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पॉलीकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो बजरंग पूनिया ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है रोम में आयोजित मार्टियो पॉलीकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में। 10 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जो है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। 10 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स या FIAF पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है अमिताभ बच्चन ने। तो अमिताभ बच्चन ने जो है FIAF पुरस्कार जीत लिया है। 10 मार्च 2021 को जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान रहा है 121वां। 10 मार्च 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस। फ्रांस देश ने जो है अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। 10 मार्च 2021 को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी ने जो है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। 10 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डस्ट लिक 2 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आंसर है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में जो है भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ने मिलकर के जो है उत्तराखंड के रानीखेत में डस्ट लिक 2 अभ्यास आयोजित किया है। 11 मार्च 2021 को हैरथ उत्सव कहां मनाया गया? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है हैरथ उत्सव मनाया गया। 11 मार्च 2021 को भारत का मुख्य संख्याविद किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर जी पी सामंत। तो डॉक्टर जी पी सामंत ने जो है भारत का मुख्य संख्याविद नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जी पी सावंत को जो है भारत का मुख्य संख्याविद नियुक्त किया गया है। 11 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो आंसर है किरण बेदी। तो किरण बेदी को जो है राष्ट्रपति ने जो है बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। आगे देखते हैं। 11 मार्च 2021 को इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार NISR निसार विकसित किया है? तो नासा। तो इसरो ने नासा के साथ मिलकर पृथ्वी के संपूर्ण अवलोकन के लिए रडार निसार जो है विकसित किया है। 12 मार्च 2021 को किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है? तो आंसर है जापान। तो जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू जो है जापान में बनाया गया है। 12 मार्च 2021 को महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो मिताली राज। मिताली राज जो है महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारत की महिला बन गई है। 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 91वीं। तो 91वीं वर्षगांठ मनाई गई दांडी मार्च की 12 मार्च को। 13 मार्च 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया। 13 मार्च 2021 को मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आंसर है अल साल्वाडोर जो है मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 14 मार्च 2021 को किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है। 14 मार्च 2021 को भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बनेगा? तो आंसर है हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा। 14 मार्च 2021 को किस राज्य में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया। 14 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेशों को कितने प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी है? तो 74%।
तो केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 74% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। 14 मार्च 2021 को कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बनेगा? तो दिल्ली, दिल्ली जो है भारत की ईवी राजधानी बनेगा। 15 मार्च 2021 को T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई। 16 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और देखते हैं, 16 मार्च 2021 को कहाँ चिनार दिवस मनाया गया? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है चिनार दिवस मनाया गया। 16 मार्च 2021 को T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल जो है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बने हैं। 16 मार्च 2021 को किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है? तो केरल। तो केरल राज्य सरकार ने केरल राज्य सरकार की हाईकोर्ट ने जो है ट्रांसजेंडर में को एनसीसी में प्रवेश को मंजूरी दे दी है। 16 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन। तो चीन जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में शीर्ष पर रहा है। 16 मार्च 2021 को कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका। तो अमेरिका जो है भारत का दूसरा आपूर्तिकर्ता बन गया है यूएई को पीछे करके। 17 मार्च 2021 को टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? इलियट पेज। तो इलियट पेज जो है टाइम्स के फ्रंट पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। 17 मार्च 2021 को SIPRICPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 33% कमी आई है। ठीक है, तो 33% की कमी हो गई है पुराने समय के अकॉर्डिंग। 17 मार्च 2021 को विश्व गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो दिल्ली। तो दिल्ली जो है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। 17 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, तो भारत जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। 17 मार्च 2021 को सीकन थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में सीकब थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। 18 मार्च 2021 को ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो रिच अहमद बने हैं। रिच अहमद जो है ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं। 18 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर। तो कौशल्या शंकर को जो है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मार्च 2021 को मिशन ग्रामोदय कहाँ आरंभ किया गया, प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम शुरू किया गया। 19 मार्च 2021 को अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? तो विराट चंद्रा। तो विराट चंद्रा जो है अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का ही युवा बन गया है। 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? तो आंसर विषय था राइट्स ऑफ रिवर। राइट्स ऑफ रिवर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का थीम था। आगे देखते हैं, 19 मार्च 2021 को अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका। तो ढाका में जो है अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन हुआ है। 19 मार्च 2021 को किस देश ने संशोधित ISA फैक्ट्री
फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इटली, इटली देश ने जो है आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने परसेंट हो गया है? तो 24.56% हो गया है 20 मार्च 2021 की आई रिपोर्ट के अनुसार। 20 मार्च 2021 की जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो फिनलैंड। तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है और उसमें भारत का स्थान है 139वां। 20 मार्च 2021 को 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हरियाणा, हरियाणा देश ने 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। 20 मार्च 2021 को ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? प्रणय हारे, प्रणय हारे जो है ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। 21 मार्च 2021 को कौन वन धन विकास योजना के मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो मणिपुर, तो मणिपुर जो है वन धन विकास योजना के मॉडल राज्य बनकर उभरा है। 21 मार्च 2021 को किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो टेलीग्राम, तो टेलीग्राम ने जो है वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है। 21 मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाकर बनाने का कानून पारित किया है? तो स्पेन, तो स्पेन देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून पारित किया है। 21 मार्च 2021 को अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। तो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देशवाल ने जो है स्वर्ण पदक जीत दिया है। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी ने विश्व जल शक्ति दिवस मतलब कि 22 मार्च को जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया है। 21 मार्च 2021 को जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 56, तो भारत जो है 56वें स्थान पर रहा है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में। 22 मार्च 2021 को किस राज्य में ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है बिहार, तो बिहार राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है। कितना स्थापना दिवस मनाया है? 109वां स्थापना दिवस मनाया है। 22 मार्च 2021 को एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार, बिहार राज्य जो है एथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। 22 मार्च 2021 को भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में। 22 मार्च 2021 को किस देश ने ली जी जिया ये नाम है यहां से लेके यहां तक, ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है? तो मलेशिया, तो मलेशिया देश के जो है ये है ली जी जिया ने जो है वर्ल्ड ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीत ली है। एक सेकेंड। 22 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रवेश अभियान, देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ने जो है देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है। 23 मार्च 2021 को मनाए गए वैश्विक मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या था? महासागर हमारी जलवायु और मौसम, महासागर हमारी जलवायु और मौसम थीम के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। 23 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कंगना रनौत को, कंगना रनौत को जो है 67वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। 23 मार्च 2021 को नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो मंगलौर में, तो मंगलौर में जो है नंदिनी नदी महोत्सव 23 मार्च को संपन्न हुआ। 23 मार्च 2021 को किस राज्य ने
पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। 23 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे चुना गया है? तो आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया 23 मार्च को। 23 मार्च 2021 को किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो कहां फटा है? इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर में जो है संगे ज्वालामुखी फट गया है। 24 मार्च 2021 को आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? शेफाली वर्मा जो है आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत की पहली महिला रही हैं जो पहले स्थान पर रही हैं। 24 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना ने उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी की है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों देशों ने साझेदारी की है। 24 मार्च 2021 को रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 18 देशों रूस ने 18 देशों के लिए मतलब कितने देशों के लिए 18 देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 25 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने जो है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 25 मार्च 2021 को कहां केला महोत्सव शुरू किया गया? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है केला महोत्सव शुरू किया गया। 25 मार्च 2021 को चर्चा में रहा दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहां बन रही है? तो आंसर है नॉर्वे। तो नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बन रही है। 25 मार्च 2021 को ISSF विश्व कप की चिकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जो है चिंकी यादव ने जीत लिया है ISSF विश्व कप में। 25 मार्च 2021 को जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 40वें स्थान पर भारत रहा है और प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। 26 मार्च 2021 को आई घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। तो भारत जो है AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। 26 मार्च 2021 को छत्रसाल कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन कहां हुआ है? तो आंसर है खुजराहो। तो खुजराहो में छत्रसाल कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है जो कहां पर है? खुजराहो मध्य प्रदेश में। 26 मार्च 2021 को WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? द ग्रेट खली को जो है भारतीय रेसलर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है WWR ने। 26 मार्च 2021 को किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 26 मार्च 2021 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो आंसर है किरेन रिज्जू। तो किरेन रिज्जू ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है। 26 मार्च 2021 को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया है? गर्ल गैंग। तो गर्ल गैंग ने जो है ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत घोषित किया है। 27 मार्च 2021 का दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थ ओवर डे। तो अर्थ ओवर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रंग मंचन दिवस। तो विश्व रंग मंचन दिवस भी 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 को पर्वतारोही रोहताश खेलेरी और अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी को 24 घंटे रुकने का अवार्ड बनाया है? तो किलिमंजारो। तो किलिमंजारो पे 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, पर्वतारोही रोहताश खेलेरी और अनु यादव ने। 27 मार्च 2021 को किस देश ने शाहीन-1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान देश ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान देश ने शाहीन-1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
28 मार्च 2021 को शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहां हुआ? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह पार्क का उद्घाटन हुआ। 28 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया? नखलऊ में किया गया। तो नखलऊ में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। 29 मार्च 2021 को नासा ने किस ग्रह की बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीरें साझा की हैं? तो मंगल। तो नासा ने मंगल देश की बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीरें साझा की हैं। 29 मार्च 2021 को किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आगे देखते हैं, 29 मार्च 2021 को शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है बिहार की श्रेयसी सिंह वुमेन ने ट्रैप टीम इवेंट में। 30 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है? तो आंसर है आइसलैंड। तो आइसलैंड के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। 30 मार्च 2021 को FILM फेम अवार्ड 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो आंसर है इरफान खान। तो इरफान खान को जो है FILM फ्रेम अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है इरफान खान को। 30 मार्च 2021 को स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जो है स्कोप की नई चेयरपर्सन बन गई है। 30 मार्च 2021 को स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया? तो एवर गिवन। तो एवर गिवन के फंसने के कारण जो है स्वेज नहर में यातायात का अवरोध हो गया था। 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 31 मार्च 2021 को जो है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। 31 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहां हुआ? IIM जम्मू। तो IIM जम्मू में जो है द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन हुआ। 31 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन 30 पदक 15 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर रहा है? तो भारत। तो भारत जो है ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में 30 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है, जिसमें से 15 पदक कैसे थे? स्वर्ण पदक थे। और दूसरे नंबर पर रहा है आपका अमेरिका। क्या रहा है? अमेरिका। 31 मार्च 2021 को किसने चेट आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है? तो आंसर है पेपल। तो पेपल ने जो है चेक आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है पेपल ने। 31 मार्च 2021 को 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर शरण कुमार लिवाले ने, लिवावे को। ठीक है, तो डॉक्टर शरण कुमार लिवाले को जो है सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। इनकी पुस्तक का नाम था सनातन। क्या नाम था इनका? सनातन पुस्तक का नाम। 31 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने के लिए नए वाहन खरीद कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है? तो 25% की रियायत दी है। कितने परसेंट की रियायत दी है? 25% की रियायत दी है। तो मार्च माह का यही वन लाइनर क्वेश्चन लास्ट था। ठीक है, चलिए आज की सीरीज फिनिश करते हैं इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। धन्यवाद।